हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एनजी डिजाइनिंग एंड आर्ट्स। आज की वीडियो में हम आर्म होल के बारे में बात करेंगे। जब हम कोई भी ब्लाउज बनाते हैं तो सबसे पहले हमें ये प्रॉब्लम होती है कि आर्म होल कितना होगा। बिगनर्स को ये प्रॉब्लम स्पेशली होती है, तो उसके लिए मैंने यहाँ एक चार्ट तैयार किया है जिसकी हेल्प से आप इजीली पता कर सकोगे कि कब कितना आर्म होल होगा। यहाँ मैंने 3 कॉलम्स बनाए हैं। फर्स्ट कॉलम में मैंने बस्ट साइज लिखा है, सेकंड कॉलम में मैंने बैक नेक लिखा है। अगर आप 1 to 5 inch स्मॉल नेक पहनते हो तो उसके लिए आर्म होल इतना होगा, और अगर लार्ज नेक पहनते हो यानी 7 to 9 inch तो उसके लिए आर्म होल इतना होगा। तो यहाँ अगर बस्ट साइज 30, 31 या 32 है और आप स्मॉल नेक पहनते हो तो 6.5 inches होगा आर्म होल, और अगर आप लार्ज नेक पहनते हो तो आर्म होल 6 inch होगा। फिर जब आप 33, 34 या 35 बस्ट साइज है तो उसके लिए आर्म होल 6 होल 3/4 inches होगा स्मॉल नेक के लिए, और लार्ज नेक के लिए 6 होल 1/4 inches होगा। फिर जब बस्ट साइज 36, 37 या 38 है और स्मॉल नेक है तो आर्म होल 7 होगा, और लार्ज नेक है तो आर्म होल 6.5 होगा। फिर जब बस्ट साइज 39, 40 और 41 है और स्मॉल नेक है तो आर्म होल 7 होल 1/4 होगा, और लार्ज नेक के लिए 6 होल 3/4 होगा। अगर बस्ट साइज 42, 43 और 44 है और स्मॉल नेक है तो उसके लिए आर्म होल 7.5 होगा, और लार्ज नेक के लिए 7 होगा। अगर बस्ट साइज 45, 46 और 47 है और स्मॉल नेक है तो आर्म होल 7 होल 3/4 होगा, और अगर वहीं बैक नेक लार्ज साइज का है तो आर्म होल 7 होल 1/4 होगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो।